सिक्स्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत एंड लोकल बॉडीज जो है उसको जो है वो कंस्टिट्यूट करने को मंजूरी दी मंत्रिमंडल ने, ताकि वो जो आने वाला समय है गवर्नर को रिकमेंडेशन कर सके कि पंचायतों की और अर्बन लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, टैक्स ड्यूटीज इत्यादि जो है वो उसमें क्या होने चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कितनी ग्रांट दी जानी चाहिए, क्योंकि फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन 21 मार्च 2021 को समाप्त हो रही है, तो इसलिए सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन जो है वो कंस्टिट्यूट करने की सोच थी। फिर कैबिनेट ने आज डिसाइड जो है वो निर्णय लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, जल रक्षक पैरा फिटर्स और पैरा पंपर ऑपरेटर्स जो जल शक्ति विभाग में काम करते हैं उनके 300 रुपए पर मंथ जो है वो जो मानदेय मिलता है उसमें बढ़ोतरी की है। अब जल रक्षक को 3300 रुपए मिलेंगे और पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर्स को जो है वो 4300 रुपए पर मास जो है वो प्रति मास उनको मिलेंगे। इसके अलावा जो रूरल एरिया में भी अर्बन एरिया में भी 2 या 3 बीसवा जो है वो जमीन जो गरीबों को जो है वो नौतोड़ में दी जाती है मकान बनाने के लिए, उसकी अभी तक आय सीमा जो है वो 50,000 थी, उसको बढ़ा करके 1,00,000 कर दिया है। फिर शिक्षा विभाग की जो है वो हमारी प्रदेश में अटल स्कूल वर्दी योजना चलती है, जिसमें हम स्कूल बैग्स जो हैं वो छात्रों को निशुल्क देते हैं, जो पहली क्लास, तीसरी क्लास, छठी क्लास और 9th क्लास के बच्चों को जो है वो ई टेंडर के हिसाब से सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन जो है वो टेंडरिंग करेगी और उसके बाद जो है वो बैग जो है वो खरीद करके बच्चों को दिए जाएंगे, उसको भी स्वीकृति दी गई है। फिर एक कैबिनेट ने निर्णय लिया है, एक स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड बनाया है, इसके लिए जो है वो अप्रूवल दी गई है, जिसमें सारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो फंड्स हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस जो है वो बनाई गई हैं। जो हमारा ₹90.80 करोड़ करंट फाइनेंशियल ईयर में इसमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड जो है ये मिटिगेशन के लिए यूज होगा। इसके अलावा जो है वो 50 करोड़ रुपए जो है वो सिस्मिक और लैंडस्लाइड जो रिस्क होते हैं पहाड़ी राज्यों में उसके लिए स्वीकृति प्रदान की है, जो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड से प्रदेश को मिलेगा, ये फंड नया क्रिएट किया है। फिर एक जो है वो सिल्क वॉर्म सीड प्रोडक्शन सेंटर जो पहले से एस्टेब्लिश है थुनाग में, तो उसमें जो है वो 4 पद जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के जो है सृजित करने को भी स्वीकृति दी गई है। साथ में जो है वो नया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट सुला विधानसभा क्षेत्र में जो है वो खोलने को स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दी थी और उसमें विभिन्न किस्म की 29 पद जो है वो भरने को भी वो मतलब सृजित करने का को जो है स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दी है। इसी प्रकार से मंडी जिला के तीरा में जो सिविल हॉस्पिटल
स्तरोन्नत किया गया है उसमें विभिन्न प्रकार की पदों को जो है वो सिविल हॉस्पिटल में जितने पद जरूरत होती है उनको भरने की जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट में रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जो है वो प्रेजेंटेशन दी जिसमें सारा कोविड के दिनों में कितने केसेस हुए, कितने लोग बाहर की स्टेट से प्रदेश में लाए गए, कितने हिमाचल से बाहर की स्टेट्स में गए और इसमें जो कितना पैसा कोविड फंड में है, कितना डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में है और उसमें कितना व्यय हुआ है, जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर है जिसमें हर एक व्यक्ति के जो है वो नाम सहित जो है वो उसमें डिपेक्ट जो है वो किया होता है, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बताया जाएगा। इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में दी गई। एक लैंड लॉ से संबंधित जो है वो बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी में चले हैं, लिटिगेशन के ऐसे बहुत सारे केसेस थे तो जिसके बारे में प्रदेश के एडवोकेट जनरल को कैबिनेट में बुलाया गया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ भी थे, लॉ ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो शिमला से संबंधित एनजीटी का फैसला है जिसमें कोर एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए जो है मकान बनाने की एक स्थिति है उसमें अपील की क्या स्थिति है सुप्रीम कोर्ट में और क्या उसमें हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं या उसमें तीसरा जो है वो प्लानिंग डेवलपमेंट प्लान जो है बनाने की दिशा में जो है वो डिपार्टमेंट आगे बढ़े, इसके बारे में जो है वो चर्चा की गई। साथ ही साथ जो एनक्रोचमेंट्स लैंड से संबंधित जो है वो केसेस हैं ऐसे उसके बारे में भी चर्चा हुई और उसमें एक कैबिनेट सब कमिटी लॉ मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो है वो गठित की गई जिसमें श्री महेंद्र सिंह जी, रामलाल मारकंडे जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी जो है उस सब कमेटी के मेंबर होंगे, जो इन सारे इश्यूज पर जो है लैंड से संबंधित, एनक्रोचमेंट से संबंधित, फॉरेस्ट ड्वेलर्स से संबंधित जो मामले हैं उन पर जो है विचार करके कैबिनेट को अपने रिकमेंडेशंस जो हैं देंगे। ये मुख्य रूप से जो है वो उस कैबिनेट में डिसीजन लिए हैं। इसके अलावा नहीं, अभी जो पुरानी चर्चाएं हुई हैं उस पर जो है विभिन्न विभागों के प्रस्ताव